क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी सारे फैन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर कोई अपने देश की इंटरनेशनल टीम से खेलना चाहता है। श्रीलंका में भी क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साल 2014 में श्रीलंका क्रिकेट महिला ने श्रीलंका सेलेक्टर पर ऐसे आरोप लगाए थे जिससे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया था। महिला टीम ने लगाए थे ऐसे आरोप। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 2014 में सेलेक्टर्स के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्हें टीम में जगह पक्की करने के लिए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे कहा, जो महिला टीम ऐसा करेगी उसे ही आगे चलकर राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी। महिला टीम ने कथित रूप पर कई चयनकर्ताओं पर की मांगों की शिकायत भी की है कि अगर उन्हें टीम में जगह चाहिए तो उन्हें संतुष्ट किया जाए। इस बात ने श्रीलंका को झकझोर करके रख दिया था। इसके बाद श्रीलंका के बोर्ड ने जांच के भी आदेश दिए थे। श्रीलंका महिला क्रिकेट के इस आरोप के बाद क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल सा आ गया था। ये खबर पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैल गई और श्रीलंका बोर्ड ने तुरंत हरकत में आते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। श्रीलंका बोर्ड के चीफ सेलेक्टर उस समय सनत जयसूर्या थे। इनके साथ 3 अधिकारियों को भी इस मामले की जांच करने को सौंपी। अंत में इस तरह से मिला इंसाफ। श्रीलंका को 1996 में वर्ल्ड कप जिताने वाले सनत जयसूर्या ने इस मामले की गंभीरता से जांच की और ठीक 7 महीने बाद वे निष्कर्ष पर पहुंचे। जयसूर्या ने इस जांच में पाया कि 3 अधिकारी शामिल थे जिसमें से 2 खिलाड़ी यौन उत्पीड़न के मामलों में शामिल रहे। वहीं उनके साथ एक अधिकारी अनुचित व्यवहार का दोषी पाया गया जो यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है। हालांकि जयसूर्या की कमेटी ने पाया कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। जयसूर्या की इस रिपोर्ट के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दोषी पाई गई 3 चयनकर्ता को तुरंत बर्खास्त कर दिया। इस तरह से श्रीलंका की महिला क्रिकेट की खिलाड़ियों को इंसाफ मिला। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।